गाइस, अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी से अपने मोबाइल में फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर आप अपने मोबाइल से अपने पीसी में फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइल ट्रांसफर करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप अपने मोबाइल और पीसी के बीच फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डाटा केबल के आप वायरलेसली फाइल ट्रांसफर कर पाएंगे। और अगर आपको फाइल ट्रांसफर करना है तो इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बात करते हैं कि आप अपने मोबाइल और पीसी के बीच फाइल ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने पीसी में किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी भी वेबसाइट पर जाने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको अपने पीसी में कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग्स करनी होगी। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है वाईफाई एफटीपी सर्वर, ये आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये ऐप मिल जाएगा, इसे आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर गाइस आप इस ऐप की डिटेल्स देख सकते हैं, 3.2 MB इसकी साइज है और 5 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड्स है। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। गाइस अगर आपको वायरलेसली फाइल ट्रांसफर करना है तो ये मेथड सबसे सेफ है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपको सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अलाउ करना है एंड उसके बाद आपको बैक जाना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन को अलाउ करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो एफटीपी सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा जिसकी जरूरत हमें नहीं है। इसमें आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा सर्वर यूआरएल, हमारे काम की चीज बस यही है। तो आपको क्या करना है, इसे नोट कर लेना है या फिर आप इसे ओपन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल में सेटिंग्स कंप्लीट हो गई है। अब आपको अपने पीसी में क्या करना है, सिंपली फाइल एक्सप्लोर को ओपन करना है। फाइल एक्सप्लोर में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कहीं भी खाली जगह पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड ए नेटवर्क लोकेशन, इसमें आपको जाना है। अब यहाँ पर आपको एक नेटवर्क लोकेशन सेटअप करना है, इसके लिए आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा चूज ए कस्टम नेटवर्क लोकेशन, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से गाइस मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको वो सर्वर यूआरएल एंटर करना है, तो आपको ध्यान से देखकर इसे एंटर कर देना है। अगर आपने इसमें कोई भी मिस्टेक की तो यहाँ पर आपका फाइल ट्रांसफर नहीं होगा। ये फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर लॉग ऑन पर चेक मार्क रखेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इस नेटवर्क लोकेशन को कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम इसे एज इट इज रखेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ओपन दिस नेटवर्क लोकेशन व्हेन आई क्लिक फिनिश, इससे आपको चेक मार्क रखना है और फिनिश पर क्लिक करना है। गाइस इसके बाद आपके पीसी में एक नेटवर्क लोकेशन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये नेटवर्क लोकेशन तभी क्रिएट होगा जब आपका पीसी और मोबाइल एक ही इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड होंगे। तो इस नेटवर्क लोकेशन को आपको ओपन करना है। अब इसके अंदर आपके मोबाइल का पूरा डाटा ओपन हो जाएगा, जितनी भी फाइल्स आपके मोबाइल में है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि आप अपने मोबाइल की फाइल्स को अपने पीसी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी फोल्डर में जा सकते हैं, जिन फाइल्स को आप अपने पीसी में ट्रांसफर करना चाहते हैं उनको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 फाइल्स को सिलेक्ट किया है और ये सभी अलग अलग फॉर्मेट में है, एक ऑडियो है, एक डॉक्यूमेंट है, एक इमेज है और एक वीडियो है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके आपको इन्हें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पर आप अपने पीसी में इसे सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पर आपको जाना है और राइट क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है। कुछ ही सेकंड्स में आपकी जो फाइल्स है वो ट्रांसफर हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और इन फाइल्स का यूज आप अब कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आप अपने पीसी से अपने मोबाइल में फाइल्स ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है, आप चाहे तो पूरा फोल्डर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइल्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें भी टोटल 4 फाइल्स हैं, आप किसी भी फॉर्मेट की फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए आपको इन्हें सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इस नेटवर्क लोकेशन में जाना है। अब यहाँ पर आप अपने मोबाइल में किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पर आपको जाना है और फोल्डर पर क्लिक करना है। अब इस फोल्डर को आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको इन फाइल्स को पेस्ट कर देना है। सेम उसी तरह से आपकी जो फाइल्स है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल और पीसी के बीच फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आपकी फाइल ट्रांसफर हो जाती है तो आपको इस नेटवर्क लोकेशन को डिलीट कर देना है और आपको अपने मोबाइल से इस सर्वर को स्टॉप कर देना है। तो
तो इस तरह से आप अपने मोबाइल और पीसी के बीच वायरलेसली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।